जनपद लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद के अंतर्गत ग्राम सभा ममरी में शादी विवाह में आई हुई महिला का एक्सीडेंट होने से मौत हो गई। आपको बताते चले कि सावित्री मिश्रा पत्नी शिव नारायण मिश्रा उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम सरेरी थाना मितौली अपने रिश्तेदार जो कि थाना हैदराबाद के अंतर्गत ग्राम सभा ममरी में अपनी नातिन की शादी में आई हुई थी। बीती रात ममरी रोड किनारे खड़ी हुई थी मोहम्मदी की तरफ से गोला को तेज रफ्तार चार पहिया वाहन बुलेरो ने टक्कर मार दी। महिला को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला लाया गया परंतु उसकी जान ना बच पाई। फिर भी कहर थमा नहीं, कुछ दूर जाने पर उस चार पहिया बुलेरो ने एक बैलगाड़ी को टक्कर मार दी। रागिरों ने जब बुलेरो ड्राइवर को गंभीर हालत देखा तो रागिरों ने 100 नंबर पुलिस को फोन करके बुलाकर गंभीर ड्राइवर को गोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। डॉक्टर से मिली जानकारी के अनुसार बताया कि ड्राइवर शिवम पुत्र सुनील निवासी सेखवापुर थाना हैदराबाद जो कि बुलेरो चला रहा था उसे 100 नंबर के आरक्षी सिपाही शशि कपूर व उनकी टीम यहां लेकर आए थे, परंतु अधिक गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लखीमपुर खीरी से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट, SKH न्यूज। नीरज जी, ये घटना जो हुई है कैसे क्या हुई है? घटना एक इनके यहाँ जो शादी में इन्वाइट होने गई थी ममरी में, तो ममरी है वहाँ इनका परिवार के भी लोग हैं, तो वहाँ एक लड़की की शादी थी उसमें इन्वाइट होने के लिए गई, वहीं ये घटना हुई है रात में रहने की उनके बाहर। ये इस समय कहाँ रह रही? इस समय ये गांव सरेली पड़ता है, थाना मितौली का है, सरेली है, पोस्ट पर सेहरा मदार पड़ता है, कस्ता के पास। इनके साथ और कौन कौन है? इनके एक इनके सपुत्र हैं जो लखनऊ में रहते हैं, और जो है पति जो हैं इनके वो लखीमपुर में थे, वो भी मौके पे हैं आज। ये बोलेरो थी क्या? बोलेरो पकड़ी गई? हाँ, बोलेरो वहाँ जो है पकड़ी गई, कंडीशन में नहीं जाने की है, वो प्रधान एक हैं ढिरावना के, उनके हैं। बता रहे थे सेंट्रल केस हुआ है कि ये सावित्री मिश्रा वाइफ ऑफ शिव नारायण जो सरेली की रहने वाली है थाना मितौली की, ये जो मेरे पास आई थी इनकी कोई मतलब सांस नहीं चल रही थी, कोई पल्स नहीं मिली हमको, बीपी नहीं मिला, और ये मतलब हमको ब्रॉड डेड। नहीं, आपके सामने मृतक अवस्था में आई थी कि इनके पास मतलब कुछ इलाज के दौरान मृतक अवस्था में आई? अच्छा, ड्राइवर भी आया था उसका? वो जो ड्राइवर आया था उसको हमने उसको रेफर किया था, उसको वो रेफर किया लखीमपुर के लिए, और नाक पर ज़्यादा खून बह रहा था। क्या वो नशे के हालत में? ये नशा तो नहीं देख पाया उसने, क्योंकि ब्लड काफ़ी लगा हुआ था, बाकी इसके बारे में तो जांच होगी।